ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है लास्ट टाइम हमने ऑप्टिक चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और दो से ज्यादा लाइट मिक्स होती है सिंगल पॉइंट पे तो अपना क्या पांच चेंज नहीं करते देन, एन, ये हमने स्टडी कर लिया था अब उसमें से एक एक टॉपिक हम डिटेल में जा रहे तो पहले हम सीखने वाले हैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं सो so, हमारा टॉपिक क्या है रिफ्लेक्शन और उसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स और अ प्लेन सरफेस अगर आपके पास एक प्लेन सरफेस है शाइनी सरफेस और अगर उसमें आप देख रहे हो या रिफ्लेक्शन उससे हो रहा है तो क्या होगा उससे इमेज कैसे फॉर्म होगा इफ object is in front of plane reflecting surface. If object is placed in front of plane reflecting surface, the image is. agar plane reflecting surface hai plane reflecting surface hai और उसके सामने अगर object रख दिया, या उसके सामने आप खड़े हो, जैसे कि water में आप देख रहे हो, still water है, plane surface है, या कोई shiny बर्तन होगा, प्लेन सरफेस होगा उस पर उस पर आप देख रहे हो या फिर मिरर होगा उस पर अंदर आप देख रहे हो तो इमेज कैसे फॉर्म होगा सो इमेज होगा वर्चुअल एंड लैटरली लेटरलीड कैसे होगा वर्चुअल वर्चुअल मीन्स मिरर के पीछे फॉर्म होगा इमेज इमेज कहा फॉर्म होगा मिरर के पीछे इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होगा ये कैसे होगा लेटरली इनवर्टेड लेटरलीड मीनस आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगी लेफ्ट साइड आपको राइट साइड दिखेगी उसे कहते हैं लैटरली इनवर्टेड सेम साइज एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा हो जितने डिस्टेंस पे प्लेन सर्फेस से दूर खड़ा है उतने दूर पे इमेज फॉर्म होगा उतने ही दूर पे इमेज फॉर्म होगा एंड तो यह तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट जो भी इमेज फॉर्म होगा वो

इमेज भी आपको नजर आएगा एट द सेम डिस्टेंस जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होगा लेकिन ये कहा होता है सर सर्फ? सरफेस के दूसरे तरफ फॉर्म होता है ठीक है ये समझ में आ गया देन अगर हम एग्जाम्पल ले लें एक तो स्टील वाटर का आप एग्जाम्पल ले लो स्टील वाटर में आप देख रहे हो या फिर मिरर में देख रहे हो तो मिरर में जब आप देखते हो वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर जब आप मिरर में अपना इमेज देखते हो तो कैसा लगता है मीन उल्टा हो जाता है ये लेकिन लैटरली इनवर्टेड होता है लेटरली इनवर्टेड राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड दिखता है लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड दिखता है तो लुक फॉर आवर इमेज फ्रॉम फॉर्म बाय द मिरर, ओके फॉर्म बाय द मिरर, बाय द मिरर, द इमेज इज लेटरली रिवर्स ऑफ द सेम साइज एंड अनदर साइड इमेज हमारे सेम हाइट का होगा जितने मेरा हाइट होगा उतना ही इमेज मेरा बनेगा मिरर में दूसरा जितने डिस्टेंस पे मैं खड़ा हूँ उतने डिस्टेंस पे ही मेरा इमेज बनेगा हैं लेकिन वो मिरर के अदर साइड होगा मिरर के अदर साइड होगा ठीक है ये समझ में आ गया ये तो सिंपल केस है जब हम सामने खड़े होते हैं तब सपोज आपको ऐसी कंडीशन दे दी कि दो मिरर हैं दो मिरर है मिरर वन और मिरर टू दोनों में एंगल है थीटा दोनों में एंगल है थीटा अब इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया अब कितना इमेज बनेगा इसका क्योंकि दो मिरर है अब सो द ऑब्जेक्ट इज केप बिटवीन द टू प्लेन मिरर इनक्लाइन एट एंगल थीटा दो प्लेन मिरर है कितने एंगल पे थीटा इतने एंगल पे द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑन बोथ द मिरर तो अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा यहां से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और उसकी वजह से क्या होगा इमेज फॉर्म होंगे वो इमेज कितने फॉर्म होंगे तो वो इमेज फाइंड आउट करने का तरीका है तो पहले तो हमें कंडीशन पता होना चाहिए कि इमेज किस पे डिपेंड करता है कि इमेज फॉर्म होना ये किस पे डिपेंड कौन सी कंडीशन चाहिए तो पहले देख लेते हैं इमेज फॉर्म होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन एग्जैक्ट नंबर ऑफ इमेज डिपेंड किस पे डिपेंड करता है एक द एंगल बिटवीन द मिरर दो मिरर अगर आपने लिए है तो दो मिरर के बीच का एंगल कितना है थीटा ओके okay, ये हमारा मिरर वन और मिरर टू तो एक तो एंगल पे डिपेंड करेगा दूसरा वेयर एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया है मिरर पे अब देखो यहां जो हमें पोजिशन फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं देखो अगर मैं इस एंगल को डिवाइड करता हूं इस एंगल को डिवाइड करता हूं तो इसे कहा जाता है एंगल बाय क्या कहा जाता है एंगल बाय तो एक तो आप ऑब्जेक्ट को एंगल बाय सेक्टर पे रख सकते हो ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हो एंगल बाय सेक्टर पे तो यहां आप रख सकते हो यह एक पोजीशन होगा ऑन एंगल बाय सेक्टर और सेकेंड

कितनी होगी वो हमें पता चलेगा चलो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है तो देखो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है स्मॉल एन पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है स्मॉल एन एक नंबर कैलकुलेट करना है पहले कैसे कैलकुलेट करोगे थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई थीटा अब ये प्रोसीजर दिया गया है ठीक है थ्री सिक्सटी को हमें थीटा से डिवाइड करना है थ्री सिक्सटी से हमें क्या करना है थीटा को डिवाइड करना है देन जो नंबर आएगा उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ इमेज लेट हमने माना कि कैपिटल एन इज अ नंबर ऑफ इमेज कैपिटल एन इज अ नंबर ऑफ इमेज अब ये कैपिटल एन स्मॉल एन पे डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा स्मॉल एन पे डिपेंड करेगा कैसे अगर स्मॉल एन का वैल्यू इवन आ गया स्मॉल एन का वैल्यू इवन आ गया देन कैपिटल एन का वैल्यू क्या होगा एन माइनस वन इसमें से एक माइनस करना है तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ इमेज हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ इमेज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट कहीं भी हो एंगल बाई सेक्टर पे हो या एंगल बाई सेक्टर के बाहर हो कहीं भी हो अगर इंटीजर इवन है तो हमें एन में से एक माइनस करना होगा उतना इमेज फॉर्म होगा सेकेंड इफ एन इज अ ऑड बाई सेक्टर सॉरी इफ एन इज अ ऑर्ड इंटीजर इफ एन इज अ ऑर्ड मीन इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऑड आंसर मिला क्या मिला ऑड आंसर आंसर नंबर जो आ रहा है वो ऑड नंबर आ रहा है ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन द एंगल बाई अब ऑब्जेक्ट को कहा रखा है हमने एंगल बाई पे एग्जैक्टली एंगल बाई तब नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होगी एन माइनस वन कितनी फॉर्म होगी एन माइनस वन मीन्स स्मॉल एन जो भी नंबर आया उसमें से एक को माइनस करना होगा देन थर्ड कंडीशन है वन सेकेंड सेम इफ एन इज अड इंटीजर एन का वैल्यू क्या आया ऑड इंटीजर वन सेकेंड ऑड इंटीजर आया

तो ये पार्ट जो है था इसे कहते हैं इंटीजर पार्ट इसे क्या कहते हैं इंटीजर पार्ट और ये पॉइंट वाला पार्ट है हमारा तो इफ एन इज नॉट इंटीजर देन एन इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एम कैपिटल एन मीन नंबर ऑफ इमेज कितना होगा इज इक्वल टू स्मॉल एम वेर एम इज ए इंटीजर पार्ट तो उसमें से सिर्फ इंटीजर पार्ट हमें कंसिडर करना है बाकी पार्ट छोड़ देना है पॉइंट वाला पार्ट छोड़ देना है सिर्फ इंटीजर पार्ट हमें कंसिडर करना है ठीक है यह समझ में आ गया तो चार केस याद रखो ऑड इंटीजर ऑड के लिए दो केस है ऑड के लिए सिर्फ दो केस है ऑड इंटीजर अगर आ गया तो दो केस है ऑब्जेक्ट कहां पे है एग्जैक्टली ऑन एंगल बाई सेक्टर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एंगल बाय सेक्टर तो दो कंडीशन है अगर एंगल बाय सेक्टर पे होगा तो एन से एक माइनस करना है अगर ऑफ द एंगल बाय सेक्टर होगा तो एन इज इक्वल टू एन होगा ये याद रखना है ऑड के लिए तो कहीं भी रख दो इसके लिए केस नहीं है एन माइनस वन करना है सॉरी ई के लिए कोई भी केस नहीं है और अगर पॉइंट में आंसर आया उसके लिए भी कोई केस नहीं है कहीं भी आप रख दो हमें इंटीजर पार्ट को कंसिडर करना है ठीक है अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा ठीक है तो बहुत सारे सम सॉल्व करने इसलिए हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है तो एक पहले एंगल लेते हैं हम 120 कितना एंगल लेते हैं 120 एग्जांपल है? के लिए फर्स्ट एंगल हम ले रहे वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एंगल है पोजिशन देख लेते हैं ऑन एंगल बाई सेक्टर ऑन एंगल बाई सेक्टर कहां पर रखा है हमने एंगल बाई सेक्टर पे ऑब्जेक्ट को रखा है चलो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई थेटा मीन एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी तो कितना एन इज इक्वल टू थ्री आएगा एन इज इक्वल टू थ्री आएगा तो so, एन का वैल्यू कितना आया थ्री अभी इवन है या ऑड है ऑड है और एंगल बाई सेक्टर पे है तो so, कंडीशन देखो ऑड इंटीजर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन एंगल बाई सेक्टर तो एन में से एक माइनस करना है एन में से एक माइनस करना है तो so, हमारा आंसर कितना आएगा थ्री माइनस वन इज इमेज कितना बनेगा टू एन इज इक्वल टू एन माइनस वन दैट इज थ्री माइनस वन तो कितना आंसर आया टू कितना आंसर आएगा टू आंसर आएगा समझ में आ गया सिमिलरली यही केस लेते हैं वन ट्वेंटी ऑफ द एंगल बाय सेक्टर ऑफ द एंगल बाय सेक्टर अब एंगल बाय सेक्टर को छोड़ के है ऑफ द एंगल बाय उस केस में वापस आंसर तो थ्री ही आएगा अब इसके लिए केस क्या दिया है ऑफ द एंगल बाय सेक्टर लिखना है Means, इस केस में क्या होगा कैपिटल एन इज इक्वल टू एन दैट इज इक्वल टू थ्री कितना होगा थ्री होगा ये समझ में आ गया नेक्स्ट अब हम आते हैं और एक एंगल ले, ले लेते वन टेन अगर वन टेन ले लिया और कंडीशन ले लिया एनीवेयर कहीं भी रखो एनी कंडीशन नहीं दिया होगा तो आपको कंडीशन देना होगा अगर और हो गया तो दोनों कंडीशन से आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा अगर आपको कंडीशन नहीं दिया है तो कंडीशन नहीं दिया है आपको तो दोनों कंडीशन के लिए आपको फाइंड आउट करके रखना होगा ऑन द एंगल बाय ऑफ द एंगल बाई ऐसा लिख के ठीक है चलो अब इसको डिवाइड करो एन इज इक्वल टू क्या होगा अगर आप डिवाइड करोगे तो एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट टू एट थ्री पॉइंट टू एट सॉरी हाँ थ्री पॉइंट टू एट आंसर आएगा एनी वेयर प्लेस किया देखो अब Not an integer. Integer नहीं है। Point में answer आया है, तो में आया तो इसमें से इंटीजर पार्ट कंसिडर करना है इंटीजर पार्ट कौन सा है Three. Point को छोड़ देना है, तो नंबर ऑफ बनेंगी? थ्री ये समझ में आया नेक्स्ट अब हम लेते हैं नाइन्टी डिग्री नाइनटी डिग्री आप भी सॉल्व करते रहो मेरे साथ नाइनटी डिग्री के लिए क्या आएगा थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई नाइनटी फोर इंटीजर इंटीजर है इवन के लिए कंडीशन ही नहीं है कहीं भी प्लेस करो एनी कहीं भी प्लेस करो आंसर कितना आने वाला है आपका एक माइनस करना होता है क्या करना होता है एक माइनस देखो एन इज इक्वल टू ईवन इंटीजर देन एन माइनस वन तो यहां भी आएगा थ्री यहां आएगा थ्री ठीक है देन अगर हम लेते हैं एटी एटी डिग्री सॉल्व करो 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई एटी फोर कंडीशन क्या ले सकते एनी वेर एनी वेर सो फोर इसमें से इंटीजर नहीं है तो इसमें से इंटीजर पार्ट ले लेते हैं तो आंसर कितना आएगा फोर ठीक है उसके बाद हम आते हैं सेवेंटी टू सेवेंटी टू डिग्री आते हैं सो एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय सेवेंटी टू करो सो सेवेंटी टू फाइव यहाँ आएगा फाइव अब ये ऑड है तो ऑड के लिए दो केस होता है ऑड के लिए कितना होता है दो केस अगर हम पहला केस लेते हैं ऑन एंगल बाई सेक्टर ऑन एंगल बाई सेक्टर एंगल बाई सेक्टर पर एक कम करना होता है तो आंसर आएगा फोर और सेवेंटी टू के लिए वापस अगर ऑफ द एंगल बाय सेक्टर होगा ऑफ द एंगल बाय सेक्टर ऑफ द एंगल बाय सेक्टर तो आंसर कितना आएगा एन इज इक्वल टू फाइव सेम आंसर आएगा आंसर सेम आएगा देन अगर हम लेते हैं सिक्सटी डिग्री सो इवन आ गया इवन के लिए एनी वेयर केस है एनी वेयर कहीं भी पुट करो सिक्स आ गया इवन के लिए माइनस करना होता है फाइव आ जाएगा क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा देन फिफ्टी फिफ्टी आप डिवाइड करके देख लो क्या होगा एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई फिफ्टी फाइव पॉइंट टू सॉरी सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू कितना आएगा सेवन पॉइंट टू एनी क्योंकि कंडीशन सिर्फ ऑड के लिए है और ये इंटीजर नहीं है सेवन पॉइंट टू तो इसमें से हम सब इंटीजर पार्ट लेंगे ठीक है तो आप और भी कंडीशन ले सकते हैं अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ये होमवर्क के तौर पे इसको सॉल्व करो थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री थर्टी डिग्री आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जो भी आएगा आपका आंसर इस टेबल में आप लिख सकते हैं समझ में आया कैसे सॉल्व करना है आप पहले हमें क्या लेना है एंगल लेना है देन उससे एन निकालना है अब पोजिशन अगर आपको दिया होगा तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा अगर पोजिशन नहीं दिया और के लिए दो कंडीशन है तो दोनों कंडीशन लिखनी होगी इवन और अगर नॉट एन इंटीजर है उसके लिए कहीं भी पुट करो कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखो आंसर सेम आने वाला है मीन्स आपको पता होना चाहिए अगर इवन होगा तो एक माइनस करना है और अगर इंटीजर नहीं है तो उसमें से इंटीजर पार्ट को हमें लेना है अगर इंटीजर नहीं है फोर पॉइंट फाइव तो उसमें से इंटीजर पार्ट को हमें लेना है तो ये समझ में आ गया रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस सो अगर इंक्लाइन प्लेन है अगर उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो कितने इमेज बनेंगे कैसे फाइंड आउट करते है? वो प्रोसीजर समझ में आया तो एक कॉलम को याद रखो तो उससे आपको पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए एंगल चाहिए देन एंड निकालना है पोजिशन देखना है और उस हिसाब से कंडीशन आपको अप्लाई करना है तो चार रूल हमेशा याद रखो ये हमेशा याद रखो ठीक है नेक्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर मिरर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर मिरर अब रिफ्लेक्शन ही स्टडी कर रहे हैं अभी हमने प्लेन मिरर देख लिया अब आ रहे हैं कर मिरर कर मिरर मींस आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर कॉन्क्यू मिरर लोअर स्टैंडर्ड में आपने ये मिरर देखे होंगे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स या कॉन्की इसके ऊपर कभी कभी आपने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके देखे होंगे इसके ऊपर एक, आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाए होंगे तो अब आते हैं अगर कॉन्केव सरफेस से कव सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसे मिरर का हमें स्टडी करना है तो पहले बेसिक बेसिक टर्म हम सीख लेते हैं ठीक है थीके? डर टू फोकस द पैरल और डाइवर्स भीम बाई रिफ्लेक्शन वी नीर द कव मीर कव मिररर क्यों चाहिए पैरल भीम को कॉन्वर्च करने के लिए या फिर भीम को डाइवर्च करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है भीम को डाइवर्च करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है मीन्स हम अगर हमें बहुत ज्यादा स्प्रेड अप करना है लाइट तो आपने देखा होगा हेडलाइट में मिरर लगे होते हैं पीछे या रिफ्लेक्टर लगा होता है या मिररर लगे होते हैं तो हमें टॉर्च में इसका यूज होता है फोकस करता है टॉर्च एक जगह बीम बनाता है तो ऐसे टॉर्च होते हैं हेडलाइट में इसका यूज होता है रेयर व्यू ऑफ मिरर व्हीकल में रेयर व्यू वाले मिरर होते हैं देखने के लिए पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं तो इसके लिए हमें इस मिरर का यूज होता है कव मिरर का यूज किया जाता है अब कर्व मिरर होते क्या है यह कर्व मिरर कैसे बनते हैं सो दिस आर द पार्ट ऑफ स्पीयर these are the part of sphere part of sphere ये एक ग्लास पियर का पार्ट है ग्लास पियर का पार्ट है अगर इसको अंदर से पॉलिश करते हैं पॉलिश फ्रॉम इनसाइड, तो ये बनता है कॉनके मिरर एंड पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड तो ये बनता है कॉन्वेक्स मिरर सो पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड कहां से हमने पॉलिश किया आउटसाइड तो ये क्या बनेगा कॉन्वेक्स मिरर और पॉलिश फ्रॉम इन साइड तो ये क्या बनेगा कॉनकेव मिरर तो ये ऐसे स्पीयर के पार्ट है जो इनसाइड से पॉलिश होते हैं या आउटसाइड से पॉलिश होते हैं ठीक है तो इस तरह से दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीयर पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड और पॉलिश फ्रॉम इनसाइड ठीक है तो अब हम देख लेते हैं क्या होता है कि अगर अगर हम इसको आउटसाइड से पॉलिश करते आउट साइड से पॉलिश मीन्स आउटसाइड एकदम चमक रहा होगा आउटसाइड चमक रहा होगा और इनसाइड इतना चमक नहीं रहा होगा तो हम क्या करते हैं अब इसका एक पार्ट सिलेक्ट करते हैं, हैं। इसका एक part select करते ये देखो ये मैंने इसका एक पार्ट सिलेक्ट किया इसको हम आउटसाइड से पॉलिश करेंगे तो मीन्स इन वाला पॉलिश नहीं होगा इन हमारा पॉलिश नहीं होगा तो यह आउट से पॉलिश है अब आउटसाइड तो ये कौन सा हो गया मिरर कॉन्वेक्स मिरर हो गया ये क्या हो गया कॉन्वेक्स मिरर आउटसाइड से हमने पॉलिश किया है इस और हमने ये पार्ट सिलेक्ट किया और इनसाइड से पॉलिश किया आउटसाइड पॉलिश नहीं है आउटसाइड पॉलिश नहीं है तो इसे कहेंगे हम कॉन्केव मिरर ठीक है यह समझ में आ गया अब ये मिरर स्पीयर का पार्ट है मिरर स्पीयर का पार्ट है तो स्पीयर को सेंटर होता है स्पीयर को क्या होता है सेंटर होता है और सेंटर से अगर हम मिरर तक का डिस्टेंस मेजर करें तो उसे हम क्या कहते हैं रेडियस इसे क्या कहते हैं रेडियस तो ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये समझ में आ गया अगर हम स्पीयर का रेडियस रेडियस मेजर करते दैट रेडियस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ मिरर रेडियस ऑफ स्पीयर इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ मीर एंड दैट रेडियस इज नोन एज अ रेडियस ऑफ करवेचर तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है रेडियस ऑफ करवेचर रेडियस ऑफ करवेचर रेडियस ऑफ स्पीयर रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ विच मिररर is a part mirror is a part is called radius of sphere sorry radius of curvature r रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ करवेचर ऐसे स्पीयर का रेडियस जिसका मिरर पार्ट है उस स्पीयर का अगर हम रेडियस मेजर करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिररर अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में कुछ ना कुछ रिलेशन है तो आते फोकल रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर तो याद रखो फोकल लेंथ ज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फोकल लेंथ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है ये याद रखना फोकल लेंथ इज हाफ़ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर अब फोकल लेंथ होता क्या है अब फोकल लेंथ होता क्या है तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं देखो ये है हमारा कॉन्क्व मिरर और यह है हमारा कॉनवेक्स मिरर ठीक है एक है हमारा कॉन्व मिरर और यह है कॉन्वेक्स मिरर क्या हो रहा है यहां अगर पैरेलल बीम आ रही है अगर पैरेलल बीम हो आ रही है और कॉन्व मिरर पे इंसिडेंट कर रही है कॉन्व मिरर पे इंसिडेंट हो कर रही है तो क्या होगी वो एक पॉइंट पे फोकस हो रहे हैं वो क्या हो रहा है एक पॉइंट पे फोकस हो रहा है इसको कहते हैं इस पॉइंट को कहते हैं फोकस इस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पैरल बीम इकट्ठा आती है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं फोकस उस पॉइंट को क्या कहते हैं फोकस और यहां देखो ये यह हमारा पोल ये पॉइंट को क्या कहते हैं पोल रेड कलर से अच्छा दिखेगा ठीक है चलो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं फोकस इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं फोकस और इसको कहते हैं पोल तो जब पैरल बीम आती है तो एक पॉइंट पे क्या होती है सारी मीट हो जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस और ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम कहते हैं पोल सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज अ फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज अ फोकल लेंथ सेम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या हो रहा है पैरेलल रे आ रही है और डाइवर्ज हो रही है क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है मीन्स दूर जा रही है अगर ये डाइवर्जिंग रे को हम एक्सटेंड करते हैं पीछे डाइवर्जिंग रे को एक्सटेंड करते हैं पीछे तो हमें क्या लगेगा कि ये एक पॉइंट से

जहां पे सारी रे मीट होती है या ऐसा अपीयर होता है कि यहां से सारी रे निकल रही है तो दोनों के लिए अलग अलग डेफिनेशन है तो अगर हम लिखते हैं फॉर कॉन्केव मिरर फॉर मिरर, फोकल लेंथ अगर मिरर के लिए लिखते हैं तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन It is the distance between pole and pole and point at which pole and point at which parallel incident. रेज आर कॉन्वर्ज जहां भी सारी रे कॉन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे इसी को हम क्या कहते हैं फोकस सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड अ पॉइंट उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे फोकस पॉइंट एट विच ऑल पैरल इंसिडेंट रे आर कॉन्वर्ज जहां पे सारी पैरल इंसिडेंट रे क्या हो रही है कॉन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे आ रही है उसे हम क्या कहते हैं उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ सिमिलरली फॉर दूसरा हमारा ये हो गया कॉनक्यू मीर के लिए फॉर कॉन्वेक्स मीर फॉर कॉन्वेक्स मीर कॉन्वेक्स मीर के लिए क्या होगा इट इज द डिस्टेंस इट इज अ डिस्टेंस बिट्वीन pole and pole and point pole and point where parallel rays where yep. parallel rays parallel rays appear to be converging sorry appear to be diverging after reply, reflection अपियर टू बी टू बी डाइवर्जिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन तो एक ऐसा पॉइंट है इस पॉइंट से हमें क्या लगता है कि रे डाइवर्स हो रही है रे क्या हो रही है डाइवर्स हो रही है ऐसे पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है फोकल लेंथ क्या होता है फोकल लेंथ ठीक है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द पॉइंट वेयर पैरल रेज टू बी अपियर फ्रॉम द डाइवर्जिंग मीन इस पॉइंट से पैरल रे क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है ऐसे पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है फोकल लेंथ अब देखो कॉनकेव कौन मिरर के लिए कॉनकेव मिरर अगर हम कंसिडर करते हैं तो अब हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस है सारे फोकल लेंथ का मेजर कर रहे हैं हम लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस है और रेडियस ये है हमारा हम ये हमारा सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस होता है रेडियस क्या होता है रेडियस तो ये होगा हमारा रेडियस अब यह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा और कौन क्यों रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस होगा निगेटिव होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा निगेटिव होगा फोकल लेंथ कौन से साइड में है फोकल लेंथ भी लेफ्ट हैंड साइड में है तो एफ इज इक्वल टू आर बाय टू लेकिन रेडियस निगेटिव होता है तो फोकल लेंथ भी क्या होगा निगेटिव होगा याद रखो ये भी निगेटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर राइट हैंड साइड पे फोकस लेंथ है और सेंटर भी राइट हैंड साइड पे तो रेडियस भी राइट हैंड साइड पे हम मेजर करेंगे रेडियस भी राइट हैंड साइड से मेजर करेंगे सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे होगा पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ फोकल लेंथ f इज इक्वल टू आर बाई टू दैट इज पॉजिटिव ये भी क्या होगी पॉजिटिव तो कॉन्केव के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ भी पॉजिटिव समझ में आ गया फोकल लेंथ क्या होता है इसके बाद ये साइन कन्वेंशन भी समझ में आ गया अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्या कहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन यू वी एन एफ यू वी एन एफ एक तो आपको पता चल गया अब एफ क्या है? एफ है फोकल लेंथ और लोअर स्टैंडर्ड में आपने यू और वी के बारे में सीखा होगा यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी होता है इमेज डिस्टेंस सो मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस क्या होता है वी इमेज डिस्टेंस अब इसमें आपने रिलेशन फाइंड आउट किया होगा इसमें रिलेशन मिरर फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इसको याद रखना है ठीक है ये लोअर सेंडर में आपको हुआ है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इसे क्या कहते हैं हम मिरर कहते हैं मिरर फॉर्मूला ठीक है अब आते हैं हम फोकल पावर क्या आते हैं फोकल पावर इट इज कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ मिरर और अ लेंस ओके कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ मिरर और लेंस इज कॉल्ड फोकल पावर इज कॉल्ड फोकल पावर तो कितना मिरर कॉन्वर्च कर सकता है या डाइवर्च कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं फोकल पावर उसे हम क्या कहते हैं फोकल पावर अगर ज्यादा कॉन्वर्च करेगा तो पावर ज्यादा अगर कम कॉन्वर्च करेगा तो पावर कम तो कॉन्वर्जन एंड डाइवर्जिंग तो पावर को कैसे मेजर जाए इट मेजर एज पावर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वेर एफ इज अ फोकल लेंथ वेर एफ इज अ फोकल लेंथ पावर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ तो ये इन्वर्स होता है पावर क्या होता है फोकल लेंथ के इन्वर्स होता है कैसे समझते हैं कैसे है? समझते हैं अब ठीक है चलो अब हम तीन एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम तीन मिरर कंसिडर करते हैं कितने मिरर कंसिडर करते हैं तीन मिरर कंसिडर करते हैं ठीक है तो ये हमारे पास मिरर वन है ये है मिरर टू मिरर टू और ये हमारा मिरर थ्री है अब इसमें से हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है क्या कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है तीनों में से अब देखो पैरेलल रे आ रही है अब क्या आ रही है पैरेलल रे आ रही है और इस पे इंसिडेंट हो रही है ये पैरल रहा कि इस पे इंसिडेंट हो गई मिरर पे इंसिडेंट हो गई अब देखो ये मीट हो रही है इस पॉइंट पे ठीक है दूसरी कंडीशन में यहां मीट हो रही है और तीसरे कंडीशन में अगर हम लेते हैं जी। जी। चलो अब हमने तीन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है मिरर वन मिरर टू और मिरर थ्री ठीक है मिरर वन की वजह से फोकल पॉइंट यहां आ रहा है मिरर टू की वजह से फोकल पॉइंट और मिरर थ्री की वजह से फोकल पॉइंट अब देखो कौन ज्यादा कॉन्वर्ज कर रहा है भीम को कौन ज्यादा कॉन्वर्च कर रहा है मिरर वन कर रहा है मिरर टू कर रहा है या मिरर थ्री कर रहा है कौन ज्यादा बेंड कर रहा है कॉन्वर्ज कर रहा है ऑब्वियसली मिरर थ्री तो इसका कॉन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगा फोकल लेंथ छोटा है तो पावर ज्यादा होगा फोकल लेंथ छोटा है तो पावर ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रपोर्शनल है हम बोल सकते हैं इनवर्सली है ये जितना फोकल लेंथ कम उतना पावर ज्यादा तो इसका फोकल लेंथ कम है मीन्स डाइवर्स ज्यादा होगा कॉन्वर्ट ज्यादा होगा ठीक है इसका थर्ड मिरर से पावर कम होगा और इसका सबसे कम होगा मिरर वन का सबसे कम पावर होगा क्योंकि फोकल लेंथ ज्यादा है तो ये ज्यादा कॉन्वर्स नहीं कर रहा है ज्यादा कॉन्वर्स नहीं कर रहा है ये सबसे ज्यादा कॉन्वर्स कर रहा है समझ में आ गया तो पावर क्या होता है कॉन्वर्जिंग पावर या अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो डाइवर्जिंग पावर कितना डाइवर्ज कर रहा है कम कर रहा है या ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है अगर कम कर रहा है तो फोकल फोकस दूर आएगा अगर ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है तो फोकस नजदीक आएगा फोकस नजदीक आएगा समझ में आ गया तो कितना डाइवर्ज कर रहा है कितना कॉन्वर्च कर रहा है उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है फोकल पावर उसे कहा जाता है फोकल पावर तो फोकल पावर समझ में आ गया इसको कैसे मेजर करते हैं P इज इक्वल टू वन अपॉन एफ और इसका ऐसा यूनिट होता है डायप्टर क्या होता है डायोप्टर ठीक है और इसको डी से इंडिकेट किया जाता है कैपिटल डी से अब डायोप्टर क्या होता है वन डायोप्टर इज नथिंग बट वन अपॉन मीटर क्योंकि फोकल लेंथ है फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर सो इट इज मीटर इनवर्स वन मीटर इनवर्स इज नथिंग बट अ वन डायोप्टर ये समझ में आ गया डायोप्टर इज नथिंग बट मीटर इनवर्स डायोप्टर इज नथिंग बट मीटर इनवर्स ये हो गया हमारा फोकल पावर ये हो गया हमारा फोकल पावर। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज बड़ा है या छोटा है वो मेजर करने वाली क्वांटिटी इमेज बड़ा है या छोटा है वो मेजर करने वाली क्वांटिटी उसे हम क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन अब हम मेजर कर रहे हैं लैटरल मैग्निफिकेशन सो लैटरल मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया है लैटरल मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू वी बाय यू इट इज वी बायू वी क्या होता है वी होता है इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो एम इज लेटरल मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमारा लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये लेटरल मैग्निफिकेशन समझ में आ गया और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है अभी लेटरल मैग्निफिकेशन नहीं बोल रहा हूं और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी फॉर्मूला है हाई डिवाइडेड बाय हो आई हो सो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी एक फॉर्मूला है तो ये भी कभी कभी आपको यूज करना पड़ता है तो ये तीनों को इक्वली आप याद रखो एम इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ तो कभी कभी ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है इसको कहते हैं हम लेटरल मैग्निफिकेशन इसको हम क्या कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन ठीक है magnification. ये हमारा मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये हो गया मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन तक सिंपल टर्म समझ में आ गए सारे तो ये मिरर के बारे में या रिफ्लेक्शन जब होता है तो ये सारी टर्म्स हमें याद रखनी होगी ये सारी टर्म हमें याद रखनी होगी रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट डिफेक्ट और अब्रेशन ऑफ इमेज तो जब भी मिरर से इमेज फॉर्म होता है तो कभी कभी उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं कभी कभी उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं वो कौन से कौन से डिफेक्ट हो गए उसमें से एक डिफेक्ट हमें यहां सीखना है सिर्फ बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं लेकिन एक ही डिफेक्ट

अगर हमें फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो इमेज के बारे में जानकारी अगर हमें चाहिए कितने डिस्टेंस भी बन रही है कहाँ बन रही है कैसे बन रही है तो हमें ये फॉर्मूले मीन्स एक तो फोकल लेंथ वाला फार्मूला यूज करते हैं दूसरा मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं थर्ड मैग्निफिकेशन यूज करते हैं मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है वर्चुअल है या रियल इमेज है बड़ा है डिमिनिश है या मैग्निफिकेशन से पता चलता है छोटा है या बड़ा है इमेज है तो इतने सारे फॉर्मूले हैं हमें इमेज को जज करने के लिए इमेज को जज करने के लिए ठीक है तो इमेज जज करने के लिए हमें एक तो ये ये या वाला फॉर्मूला लगेगा क्लियर इमेज तो तो बनता है या पॉइंट साइज इमेज बनता है फोकस पे बनता है तो पॉइंट साइज इमेज तो क्या है एजम्स फर्स्ट एजम्सन है ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सिचुएटेड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीन अगर हमारा मिरर है यह प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट उसके नजदीक होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए उसके नजदीक और इमेज भी अगर फॉर्म हो रहा है तो नजदीक ही फॉर्म होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक ऑब्जेक्ट रखना है और प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक ही इमेज फॉर्म होना चाहिए तो इमेज क्लियर बनेगा इमेज क्या बनेगा क्लियर बनेगा देन रे डाइवर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर कंफाइंड टू अ कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल टू द वेरी स्मॉल एंगल ठीक है अगर डाइवर्ज हो रही है रे क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है दूर जा रही है तो उसने जो एंगल बनाना है उसमें जो एंगल अगर डाइवर्ज हो रही है रे क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है इस तरह से डाइवर्ज हो रही है तो ये जो कौन बनाएगा डाइवर्जिंग रे इसका एंगल क्या होना चाहिए एंगल बहुत ही छोटा होना चाहिए छोटा कौन बनना चाहिए बड़ा कौन नहीं बनना चाहिए ठीक है सो रे डायवर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रे डाइवर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट से रे डाइवर्ज हो रही है तो ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहां ऑब्जेक्ट छोटा सा ऑब्जेक्ट है यहां से रे डाइवर्ज हो रही है यहां से रे डाइवर्ज तो डाइवर्स होगी रे तो क्या बनेगा पोन बनेगा सारे डायरेक्शन में रे डाइवर्स होगी तो वो पोन छोटा होना चाहिए क्योंकि एंगल भी क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए बहुत दूर तक रे नहीं जानी चाहिए ठीक है ये समझ में आ गया थर्ड इफ देयर इज अ पैरेलल बीम ऑफ रेज इट इज अ पैरा एक्सियल दैट इज पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो अगर ऑब्जेक्ट से रे आ रही हो पैरेलल रे आ रही है ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही हो कैसे आ रही है पैरेलल रे आ रही है देखो ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है वो कैसे आनी चाहिए पैरल अगर ये पैरल रे आ रही है तो पैरल होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक तो इसे हम कहेंगे पैरा एक्सियल रे इसे हम क्या कहेंगे पैरा एक्सियल रे सो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक रहती है और पैरल पैराल रहती है उसे कहते हैं पैरा एक्सियल रे उसे क्या कहते हैं हम पैरा एक्सियल रे तो अगर हमें क्लियर इमेज चाहिए तो रे ऐसी होनी चाहिए पैरा एक्सियल होनी चाहिए मीन प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होनी चाहिए और पैरल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस को तभी इमेज क्लियर बन सकती है तभी इमेज क्लियर बन सकती है ठीक है तो ये तीन अजम्पन अगर फॉलो होंगे तो ही इमेज हमें पॉइंट शेप और क्लियर मिलेगी पॉइंट साइज मिलेगी और अच्छी मिलेगी क्लियर इमेज मिलेगी लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता हर बार ये तीन फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता तो उसकी वजह से कुछ एरर आ जाते हैं वजह से कुछ एरर आ जाते हैं ठीक है अब देखो अगर रे नहीं है तो रे थोड़ी दूर होगी उसे कहा जाता है मार्जिनल रे याद रखो उसे क्या कहा जाता है मार्जिनल रे जो मिरर एक्सिस से दूर एक्सिस से जो दूर होती है एक्सिस से जो रे दूर होती है उसे कहा जाता है मार्जिनल रे तो क्या कहा जाता है मार्जिनल रे ठीक है यह पॉइंट भी याद रखो और नजदीक वाले को कहा जाता है पैरा एक्सेल रे नजदीक वाले को कहा जाता है पैरा एक्सेल रे अगर यह तीन एजें्पन फॉलो होंगे तो इमेज हमें क्लियर मिलेगी अगर यह तीन एजम्पन फॉलो नहीं होंगे तो इमेज क्लियर नहीं बनेगी सो इन रियलिटी दिस एजम्पन डू नॉट ऑलवेज होल्ड गुड रियालिटी so, में रियालिटी तो में यह तीनों एजम्शन फॉलो करना डिफिकल्ट होता है या फिर हर बार ये नहीं फॉलो हो सकते या दिस एजम्पन डू नॉट ऑलवेज होल्ड गुड दिस रिजल्ट इंटू द डिस्टॉर्ट और डिफेक्टिव इमेज उसकी वजह से क्या होगा इमेज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएगी और डिफेक्टिव इमेज क्रिएट होगी या ब्लर इमेज क्रिएट होगी तो उसके वजह से क्या आ जाएंगे defect आएंगे तो commonly जो डिफेक्ट आते हैं में वो होता है इतने तरह के क्या आते हैं एरर आते हैं स्पेरिकल ऑपरेशन कोमा एंड दूसरा और होता है डिस्टोरशन uh, तो इतने सारे डिफेक्ट आते हैं तो इतने सारे डिफेक्ट में से सिर्फ हमें एक ही डिफेक्ट स्टडी करना है दैट इज अब्रेशन कौन सा स्टडी करना है यह एक डिफेक्ट हमें स्टडी करने के लिए बाकी सारे डिफेक्ट नहीं है ठीक है तो आप देखते कि स्पेरिकल ऑपरेशन है क्या स्पेरिकल ऑपरेशन है क्या ठीक है स्पेरिकल ऑपरेशन इसको नाम दिया गया स्पेरिकल ऑपरेशन बिकॉज ये शेप की वजह से बनता है ये क्या होता है शेप की वजह से तो आपको डायग्राम यहां दिया गया है एक है हमारा कॉनकेव मिरर और यह है हमारा कॉनवेक्स तो हमें दो मिरर दिए गए हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों कंडीशन हमें दी गई है ठीक है तो जब पैरा एक्सियल रे आते हैं नजदीक वाले इसे कहेंगे पैरा एक्सियल रे ये जो नजदीक है इसे कहेंगे पैरा एक्सियल रे ये मार्जिनल रे है ये क्या है दूर रहे मार्जिनल ये है पैरा एक्सियल रे जो नजदीक वाले रे है वो क्या है पैरा एक्सियल और ये दूर वाले है वो मार्जिनल रे ठीक है सो अब क्या हो रहा है कि हमें तो रिलेशन पता है फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाय टू ये कंडीशन हमें पता है अगर पैरा एक्सल रे आ रही है वहां पे जो इस पॉइंट पे मीट हो रही है उसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट उसे क्या कहते हैं फोकस पॉइंट ठीक है तो फोकस पॉइंट से हम फोकल लेंथ निकालेंगे आर बाय टू से ठीक है जैसे जैसे रे दूर चली जाएगी जैसे जैसे दूर जाती है रेज पैरा रे है तो फोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा जैसे ऐसे रेज दूर जाएगी मिरर से वैसे वैसे फोकस मिरर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे फोकस क्या हो रहा है मिरर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो देखो अगर नजदीक पैरा हैं तो फोकस हमें यहां मिल रहा है इस पे मिल रहा है और जैसे जैसे रू जैसे हमारे जो रेज है जैसे जैसे रेज ये हमारे रेज है वो आगे आगे बढ़ रहे या ऊपर ऊपर जा रहे पोल से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे फोकस शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स मिरर फोकस क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स मिरर यहाँ भी देखो अगर नजदीक वाले रे आते हैं तो फोकस हमें कहा मिलता है दूर मिलता है फोकस हमें दूर मिलता है और जैसे जैसे रे दूर जाएंगे वैसे वैसे फोकस नजदीक आएगा फोकस क्या आएगा नजदीक आएगा तो यहाँ दो फोकस पॉइंट मिल रहे हैं हमें दो फोकस पॉइंट मिल रहे हैं तो अब ये दो फोकस पॉइंट क्यों मिल रहे हैं क्योंकि इसका शेप स्पेरिकल है इसका शेप क्या है स्पेरिकल है तो यहां वाले रे दूर मीट होंगे यहां वाले नजदीक तो डेविएशन ज्यादा हो रहा है या या ज्यादा हो रहा है डायवर्जन ज्यादा हो रहा है तो ये स्पेरिकल शेप की वजह से डिफेक्ट आ रहा है दो फोकल लेंथ इसलिए इसे कहा जाता है स्पेरिकल अबरेशन इसे क्या कहा जाता है स्पेरिकल अबरेशन इसकी वजह से इमेज क्या बनेगा इमेज हमें ब्लर दिखाई देगा इसकी वजह से इमेज क्या होगा ब्लर दिखाई देगा अब क्या हो रहा है वो समझते हैं देखो ये पैरल रे आ रही है ये पैरा एक्सेल रे है तो ये पैरा एक्सेल रे जब मीट होंगी यहां पे, तो यहां पे इमेज बनेगा फोकस पे इमेज बनता है पॉइंट साइज इमेज बनता है ये आपको बताए अब मार्जिनल रे आ रही है दूर से रे आ रही है तो वो जरा थोड़ा सा नजदीक मीट होगी वो क्या मीट होगी नजदीक तो उसका फोकस यहां पर बनेगा तो अब एक फोकस बन रहा है यहां पे इस पॉइंट पे और एक फोकस यहाँ पे तो दो इमेज हम जब देखेंगे तो हमें एक इमेज आगे बनेगी एक इमेज पीछे बनेगी एक पैरल रे की वजह से पैर रे की वजह से मीन एफ पी पे एक इमेज बनेगी और एक मार्जिनल रे बने एफ पे एक इमेज बनेगी तो दो इमेज हम देखेंगे तो दो इमेज एक के ऊपर एक तो उसकी वजह से क्या होगा इमेज ब्लर दिखेगी क्योंकि बहुत सारी इमेजेस यहां से एक रे आ रहा है उसका एक इमेज होगा ऐसे बहुत सारी इमेज यहां फॉर्म होंगे उसकी वजह से इमेज ब्लर दिखाई देगा उसकी वजह से इमेज क्या दिखाई देगा ब्लर क्योंकि दो से ज्यादा इमेज यहां फॉर्म हो रही है और मार्जिनल रे की वजह से इमेज यहां फॉर्म हो रही है तो दो इमेजेस फॉर्म हो रही है और दो इमेजेस जब हम एक के ऊपर एक देखेंगे तो क्या होगा ब्लर इमेज दिखाई देगा क्या दिखाई देगा ब्लर इमेज दिखाई देगा ठीक है यह समझ में आ गया इमेज ब्लर दिखाई दे रहा है तो इसी को हम कहते हैं स्पेरिकल अब्रेशन इसी को क्या कहते हैं स्पेरिकल अब्रेशन तो स्पेरिकल अब्रेशन में इमेज क्या दिखाई देगा ब्लर दिखाई देगा उसकी बाउंड्री अनक्लियर होगी उसकी बाउंड्रीज क्या होगी अनक्लियर होगी तो अब हमें दो इमेज मिल रही है एक एफ पी पे और एक एफ एम पे सो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन एफ पी एंड एफ एम दो इमेज मिल रही है इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल ऑपरेशन इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्पेरिकल ऑबरेशन ठीक है अब स्पेरिकल ऑपरेशन से अगर हमें क्लियर इमेज चाहिए तो देखो एक्चुअली इमेज कैसा बनना चाहिए पॉइंट साइज इमेज कैसा बनना चाहिए पॉइंट साइज लेकिन इस केस में पॉइंट साइज इमेज नहीं बनता इस केस में इमेज बनता है सर्कुलर शेप का कैसे बनता है सर्कुलर शेप का तो सर्कल में इमेज बनेगा कैसे बनेगा इमेज सर्कल में बनेगा तो अगर सर्कल में इमेज बन गया अगर इसको क्लियर इमेज बनाना है तो सर्कल छोटा होना चाहिए पॉइंट साइज तो नहीं बन सकता पॉइंट साइज तो इमेज नहीं बन सकता तो अगर हम इस सर्कल को छोटा कर देंगे तो हमें थोड़ा बहुत क्लियर इमेज मिलेगा अब यह सर्कल क्लियर कहाँ होगा ये सर्कल क्लियर कहां होगा तो देखो यहां हमने दो रे लिया है ये देखो एक पैरा एक्सियल रे है यह हमारी मीट हो रही है इस पॉइंट पे एफ पी और यह मार्जिनल रे जा रही है ठीक है तो देखो यहां पॉइंट ए है और पॉइंट बी है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जहां पे दोनों भी रे मिक्स हो रही है जहां पे दोनों भी रे मीट हो रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पैरेक्सियल और मार्जिनल रे दोनों भी मीट हो रही है तो यहां जो इमेज बनेगा यहां जो इमेज बनेगा सर्कुलर वो क्लियर इमेज होगा वो क्या होगा क्लियर इमेज होगा और उस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ लिस्ट कंफ्यूज यहां जो इमेज बनेगा उस सर्कल को क्या कहा जाता है सर्कल ऑफ सर्कल ऑफ लिस्ट कंफ्यूजन तो इस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ लिस्ट कंफ्यूजन जहां पे पैराएक्सियल और मार्जिनल रे मीट होती है वहां दो पॉइंट बनते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी और पॉइंट और ए और बी एज अ डायमीटर एक सर्कल बनता है एज अ डायमीटर एक सर्कल बनता है उस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ लिस्ट कंफ्यूजन यहां पे इमेज हमारा क्लियर बनेगा यहां पे इमेज हमारा क्लियर बनेगा तो ये समझ में आ गया अगर इस सर्कल का हम डायमीटर फाइंड आउट करते हैं डायमीटर क्या आएगा डायमीटर आएगा ए बी इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स स्पेरिकल ऑपरेशन इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स स्पेरिकल ऑपरेशन देन अगर इस एरर इस डिफेक्ट को मिटाना है अगर इसको रिमूव करना है अगर इसको रिमूव करना है तो हम यूज करते हैं पैराबोलिक मिरर कौन से मिरर यूज करते हैं पैराबोलिक एक्चुअल स्पेरिकल शेप नहीं रखते थोड़ा सा शेप बढ़ा देते तो पैराबोला यूज करते हैं हम पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं तो पैराबोलिक मिरर अगर हम यूज करेंगे तो स्पेरिकल मिरर की वजह से जो डिफेक्ट आता है या स्पेरिकल अब्रेशन रिड्यूस कर सकते हैं स्पेरिकल अब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं कि देखियो स्पेरिकल शेप इस तरह से होता है स्पेरिकल शेप तो यहां से आने वाली रेज और यहां से आने वाली रेज अलग अलग जगह पे मीट होगी वैसे अगर हम पैराबोला लेंगे तो पैराबोला की खासियत क्या है कि अगर ये पॉइंट फोकस है ये पॉइंट फोकस है अगर यहां से हमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ये डिस्टेंस कम है तो ये डिस्टेंस ज्यादा होता है देखो अब थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं तो फोकस तक का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो सारे रेज एट अ टाइम फोकस पे आएंगे सारी रेज एट अ टाइम फोकस पे आएंगे ठीक है सबको लगने वाला टाइम सेम होगा क्योंकि यहां डिस्टेंस अगर कम है तो ये डिस्टेंस ज्यादा है अगर ये डिस्टेंस कम हो गया तो ये डिस्टेंस बढ़ गया तो इस तरह से सारी रे एट अ टाइम फोकस पे आती है सारी रे तो स्पेरिकल ऑपरेशन बनता ही नहीं है तो पैराबोलिक मिरर से स्पेरिकल ऑपरेशन को हम दूर कर सकते हैं तो ये था हमारा एक स्पेरिकल ऑपरेशन एक डिफेक्ट सिर्फ एक ही डिफेक्ट हमें स्टडी करना है स्पेरिकल ऑपरेशन जनरली पूछते नहीं है एग्जाम में जनरली एग्जाम में पूछते नहीं ठीक है तो आज जो हमने टॉपिक स्टडी किए रिफ्लेक्शन टॉपिक स्टडी किया क्या स्टडी किया रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर तो यहां अब हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं